हेलो दोस्तों, क्या आप जानते हैं विराट कोहली, जिनको आज पूरी दुनिया किंग कोहली के नाम से जानती है, वो क्रिकेट की दुनिया में विराट कोहली कैसे बने? आइए आपको एक ट्रिप पर लेके चलता हूँ। 5 नवंबर 1988 में दिल्ली में एक पंजाबी फैमिली में एक बच्चे का जन्म हुआ। प्रेम कोहली, जो एक पेशे से क्रिमिनल लॉयर थे, वो बहुत खुश हुए क्योंकि उनके घर में तीसरा बच्चा जन्म लेने वाला था। उन्हें इस बात का पता भी नहीं था कि ये बच्चा आगे चल के क्रिकेट के इतिहास का सबसे चहिता खिलाड़ी बनने वाला है। विराट कोहली एक पंजाबी मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे, जिनके ग्रैंड पेरेंट्स इंडिया और पाकिस्तान के पार्टीशन के समय में इंडिया बस गए थे। उनकी माँ सरोज कोहली एक हाउसवाइफ थी और उनका और उनके दो भाई बहनों का ख्याल रखा करती थी। विराट कोहली दिल्ली में उत्तम नगर में अपने भाई बहनों के साथ पले बड़े। क्योंकि वो सबसे छोटे थे घर में, इसलिए उन पर इतना ध्यान नहीं दिया जाता था। इस सब के बावजूद भी विराट कोहली अपने पिता के बहुत ही करीब थे और 3 साल की उम्र से ही उन्हें क्रिकेट में इंटरेस्ट आने लग गया था। वह अक्सर अपने पिता के साथ क्रिकेट खेला करते थे। इनका क्रिकेट में इंटरेस्ट इतना ज्यादा था मानो क्रिकेट खुद इन्हें अपनी दुनिया में बुला रही हो। क्योंकि सिर्फ 9 साल की उम्र में ही ये वेस्ट दिल्ली क्रिकेट एकेडमी का फर्स्ट इनटेक का हिस्सा बन चुके थे। विराट कोहली को घर में चीकू के नाम से बुलाया जाता था क्योंकि वो थोड़े से चबी और मोटे हुआ करते थे। उनकी स्कूलिंग की शुरुआत विशाल भारती स्कूल से हुई और आगे चलकर उनकी एडमिशन सेवियर कॉन्वेंट स्कूल में हुई। विराट कोहली को स्कूल लाइफ और क्रिकेट लाइफ बैलेंस करने में बहुत दिक्कतें आई, पर फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। उनके कोच राजकुमार शर्मा कहते हैं, ये लड़का टैलेंट से भरपूर है, मानो जैसे क्रिकेट नेचुरली इसके अंदर बसी है। मैं काफी इंप्रेस हुआ हूं इसके एटीट्यूड से, किसी भी स्पॉट में बैटिंग कर सकता है ये लड़का। और मुझे खुद इसे ट्रेनिंग सेशन से घर भेजना पड़ता था क्योंकि ये ट्रेनिंग करने से हटता ही नहीं था। कोहली की 10वीं क्लास के बाद उनका क्रिकेट करियर मानो बढ़ता ही चला गया। उनकी क्रिकेट करियर ने तेजी पकड़ ली। उनकी सबसे पहली और बड़ी सफलता दिल्ली की टीम की अंडर 15 टीम में हिस्सा बनना था, जो टीम 2003 और 2004 की पॉलीउमरीगान ट्रॉफी खेलने वाली थी। इसी तेजी से आगे बढ़ते हुए कोहली को अंडर 17 दिल्ली टीम के लिए भी कॉल आया, जो टीम विजय मर्चेंट ट्रॉफी 2003-2004 खेलने वाली थी। और अगले ही साल इस टीम के लिए खेलते हुए इन्होंने इस टीम को 2004-2005 के विजय मर्चेंट ट्रॉफी में जीत भी दिलाई। इसी सफलता के कारण इन्हें आखिरकार इंडियन अंडर 19 वर्ल्ड कप स्क्वाड का हिस्सा बनने का मौका मिला, जिसमें इन्हें कप्तान चुना गया। ये वर्ल्ड कप 2006 में होने वाला था। इसी दौरान इनकी लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आया। 2006 में इनके पिताजी अब इस दुनिया में नहीं रहे। इस घटना के कारण विराट कोहली पर काफी मेंटल और इमोशनल प्रेशर आ गया। हालांकि फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। उनके पिता के देहांत के अगले ही दिन उनका एक मैच था। उन्होंने फिर भी वो मैच खेला और अपनी टीम को जीत दिलाई। इस घटना के बारे में विराट कोहली के कोच से ज्यादा कोई नहीं जानता। राजकुमार जी कहते हैं, उसने मुझे कॉल किया, वो रो रहा था और कहा, मेरे पिताजी अब नहीं रहे। मुझे बहुत बुरा लगा, मैं शॉक में आ गया था क्योंकि कोहली के पिता मेरे भी बहुत अच्छे दोस्त बन चुके थे। उस दिन विराट कोहली ने मुझसे पूछा, अब मैं क्या करूं सर, मैं इतने बड़े दुख में हूं और दिल्ली की टीम मुसीबत में है। उसने मुझसे कहा, मैं बैटिंग करना चाहता हूं सर। तो मैंने उसका हौसला बढ़ाते हुए उसे कहा, विराट यही समय है अपनी कमिटमेंट दिखाने का। और उसने दिखाई भी। उसके जैसे एक यंग बच्चे के लिए ये बहुत मुश्किल था, ये जानते हुए भी कि उसके पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे। फिर भी उसने मैच खेला और उसने क्रिकेट के प्रति कमिटमेंट दिखाई, और ये मेरे लिए
बहुत बड़ी बात है। इस टर्निंग पॉइंट के 2 साल बाद इन्हें अपना पहला इंटरनेशनल एक्सपीरियंस मिला और इन्होंने इंडियन अंडर 19 टीम को लीड करते हुए आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप मलेशिया 2008 में अपनी टीम को जीत दिलवाई। इस वर्ल्ड कप जीत के कारण बड़ी बड़ी फ्रेंचाइजीज इनको अपनी आईपीएल टीम में लेने के लिए तैयार हो गए और आखिरकार ये रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का हिस्सा बने। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। आई एम श्योर आपको ये स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग लगी होगी। विराट कोहली के आगे की लाइफ के बारे में जानने के लिए इस वीडियो का पार्ट 2 ज़रूर देखिएगा। अगर आपको इस वीडियो में मज़ा आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम ऐसे ही क्रिकेट से जुड़ी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए लाते रहें। थैंक यू सो मच गाइस।